सो लेट्स स्टार्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पेपर आप लोग अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट करिएगा ठीक है आइए सो वे आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन So, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से है ठीक है सो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा हमने देखा वीक फॉर्म सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म राइट सो दिस इज अ क्वेश्चन आज आप लोग देख सकते हैं सात नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है सात नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं ओके सो स्टेट विथ रीजन

ये अपना हो जाएगा अगेंस्ट ठीक है यह अपना अगेंस्ट क्यों होगा यह अपना अगेंस्ट क्यों होगा क्योंकि यहां पर क्या बोल रहे इन रेस्पॉन्स टू अ अब्लिक अर्निंग थ्री मंथ अगो सो तीन महीना तक ऐसा अगर एफिशियंट मार्केट होगा तो तीन महीना तक उसका प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए शुड बी इंस्टेंट ठीक है एंड दिस इज वॉट दे हैव रिटन सोल्यूशन बिकॉज मार्केट प्राइसेस शुड इमीडिएटली इनकॉर्पोरेट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ठीक है आइए सेकेंड वाला हम लोग पढ़ते हैं परफॉर्मेंस so, है, फॉर में आएगा, आएगा। बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई एक्टिवली स्टॉक्स ढूंढ रहा है तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस उसको डिनाई करता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बोलता है आप अगर एक्टिवली कर रहे हो या फिर आप पैसिवली कर रहे हो दोनों ही केसेस में एक्टिव हो चाहे पैसिव हो दोनों ही केसेस में क्या होगा बताइए चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा एक्टिव हो चाहे पैसिव हो दोनों ही केसेस में आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होगा और अगर कोई एस एन पी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो यह उसका अब एवरेज स्किल है राइट सो बेसिकली सेकेंड में यही लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिवली मैनेज इंडेक्स फंड इज द सेम एज अ पैसिव फंड ट्रैकिंग द सेम इंडेक्स इज इट ओके ऑल ऑफ यू ठीक है सेकेंड वाला सबको क्लियर है ओके okay. आइए थर्ड में आते हैं द ऑफ अ शेयर इज ग्रेटर देन दैट इंप्लाइड बाय अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल अगेन दिस इज अगेंस्ट दिस इज अगेंस्ट बिकॉज शिलर ने यही बोला था शिलर ने क्या बोला था एक्सेसिव वोलाटिलिटी uh, के बारे में जो वोलाटिलिटी टेस्ट था उसमें शिलर ने क्या बोला था कि भाई अगर हम लोग को सब कुछ पता है इफ दी डिविडेंड्स आर एक्यूरेटली फोरकास्टेड तो प्राइस हमारा जो आएगा दैट इज द करेक्ट फोर साइड प्राइस ठीक है सो बेसिकली इफ द कैश फ्लो मॉडल इनकॉर्पोरेट्स ऑल मार्केट इंफॉर्मेशन देन इट शुड मैच प्राइसेस एंड देयरफॉर फॉर द सेम वोलेटिलिटी राइट सो यहां पर क्या बोला वोलाटिलिटी ऑफ अ शेयर इज ग्रेटर सो बेसिकली दिस डिनाइज दिस डिनाइज क्यों डिनाई कर रहे हैं बिकॉज शेयर प्राइसेज आर एक्सेसिवली वोलेटाइल इन एक्चुअल के प्रॉब्लम थे उसके बाद में आ, हमने देखा था कि जो डिविडेंट्स फोरकास्ट हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो रहा है राइट सो बेसिकली वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ई एम एच ओके आइए नेक्स्ट में आते हैं टू इक्विटी एनालिस्ट एट डिफरेंट फॉर्म्स टारगेट प्राइसेस फॉर द स्टॉक ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी एंड टारगेट प्राइसेस आर डिफरेंट अगेन यहां पर हमारा ई जो है वो डिनाई हो जाएगा अगेन यहां पर हमारा ई जो है वो डिनाई हो जाएगा अगेन दिस इज अगेंस्ट बिकॉज हमारे पास में अगर सेम इंफॉर्मेशन है सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हमारा जो प्राइस आना चाहिए वो भी सेम आना चाहिए ये सबको क्लियर है येस और नो सब लोग थम्स अप दे दीजिए फटाफट से ये सबको क्लियर है येस और नो ये वाला सबको क्लियर है यहाँ तक सब लोग फटाफट से थम्स ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके गिवन एग्जाम्पल ऑफ अस्ट्रेट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ई एम एच योर एग्जाम्पल शुड बी डिफरेंट टू दो इन पार्ट वन आज एक मान लीजिए आई एम द सी ओ ऑफ अटेड कंपनी एक्चुएटर्स एडुकेशनल इंस्टीट्यूट ओके सो बेसिकली मेरे को पता है कि अभी मेरा एक बहुत बड़ा मर्जर होने वाला है एटेक एटेक स्पेस में मेरे कंपनी का एक बहुत बड़ा मर्जर होने वाला है सो आई बाय द शेयर आई एम दर एंड सी ओ ऑफ माई कंपनी सो आई एम एक्सेस टू प्राइसिटिव इंफॉर्मेशन राइट आई एम हैविंग एक्सेस टू प्राइसिटिव इंफॉर्मेशन एंड दैट इज वायट एडवांटेजियस पोजिशन सो आई एमिंग द इन साइडर इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके आई कैन मेक सुपर नमल प्रॉफिट so basically this is an example uh, semi-strong form emh hamlokabalana semi-strong form emh right so if i'm able to generate normal profits by using this insider information then this depicts that the market is semi-strong form efficient okay explain how your scenario given in part two demonstrates semi-strong form emh

आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो बट अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशियंट होता तो आप इन साइडर इन्फॉर्मेशन को भी यूज करके कुछ नहीं कर सकते ठीक तो है तो बताइए सबको क्लियर है और नो सी दे हैव सेमी फॉर्म द मार्केट प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन बट इट डज नॉट डॉपोरेट इंफॉर्मेशन ओनली अवेलेबल टू इन साइडर्स दो विद इन साइड इन्फॉर्मेशन कैन यूज दिस

क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं आइए सो क्वेश्चन नंबर थ्री में लोग चलते हैं ओके द प्राइस एट टाइम टी ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एस टी फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर जीरो पॉइंट जीरो नाइन टी एंड जीरो पॉइंट जीरो फोर टी वेट इज द टाइम फ्रॉम नाउ मेजर्ड इन ईयर्स

आज उसको कितना इन्वेस्ट करना है तो एस फाइव का डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे सो एस फाइव का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा लॉग नॉर्मल राइट एस फाइव का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा एस फाइव का डिस्ट्रीब्यूशन में अपना आएगा लॉग नॉर्मल ठीक है लॉग नॉर्मल जो भी मेरा पैरामीटर था जीरो पॉइंट जो भी मेरा पैरामीटर्स था जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू फाइव जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू फाइव राइट तो इस ऐप का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया हम लोग को बोला आज कितना इन्वेस्ट करेंगे आज कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग क्या इक्वेशन बनाएंगे इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा हम लोग क्या इक्वेशन बनाएंगे हम लोग क्या इक्वेशन बनाएंगे इसका बताइए हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे प्रोबेबिलिटी ए जो कि आज मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है आज मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है ए S5 by S0 ठीक है ना हम लोगों को क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला आपने को टू गिव एटी परसेंट प्रोबेबिलिटी ए S5 by S0 विल बी ग्रेटर देन 1 लाख 50,000 इसका कितना प्रोबेबिलिटी है फटाफट से बताओ पुनीत बताइए इसका कितना प्रोबेबिलिटी है ए S5 by S0 कितना 0.0.8 राइट right? 0.8 आई गेस देर इज सम प्रॉब्लम विद दी पॉइंट ठीक है दिस शुड बी जीरो पॉइंट एट बेसिकली दिस शुड बी एटी परसेंट ठीक है इसको सॉल्व करिए अब आप लोग मैं आप लोग को एक मिनट का टाइम दे रहा हूं इसको सॉल्व करिए सॉल्व करिए इसको एस फाइव बाई एस जीरो एस जीरो हम लोग को वन दे दिया है A को उधर ले जाओ A को उधर ले जाइए और इसको सॉल्व करिए सॉल्व करिए इसको फटाफट सॉल्व करिए इसको और बताइए यहां से अपना एक कितना आ रहा है बताइए यहां से अपना एक कितना आ रहा है फटाफट पड़ से बताइए ओके okay. ठीक है चलिए आइए इसको हम लोग पूरा को सॉल्व करते हैं ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री सो आपने को यहां पर क्या करना था प्रोबेबिलिटी ए एस फाइव बाई एस जीरो विल बी ग्रेटर दैन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट राइट एस जीरो अपना वन है सो प्रोबेबिलिटी एस फाइव विल बी ग्रेटर दैन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बाई ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट ठीक है अब दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर इसको करेंगे। दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर इसको करेंगे। ये सबको क्लियर हो रहा है यस और नो अनुराग अनुश्री अनिमेश मरूफ जयली विभा पुनीत एंड सरबजीत ये वाला सबको क्लियर है ओके okay. तो यहां से अपने फिर यहां से सॉल्व करेंगे अपना ए तो बताइए कितना आ रहा है यहां से अपने सॉल्व करेंगे अपना ए ठीक है यहां से अपने सॉल्व करेंगे अपना ए कितना आ रहा है चैट बॉक्स में फटाफट भड़ से बताइए बेसिकली पहले मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा और फिर इसको स्टैंडर्डाइज करूंगा बताइए कितना आ रहा है इसके बाद का अगर अपने कोई एक दो स्टेप और देखना है तो अपने क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी एल एन एस फाइव विल बी ग्रेटर देन एल एन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बाय ए अब ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ठीक है ना उसके बाद में मैं करूंगा जेड तो प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन एलेन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड बाय ए माइनस क्या होगा माइनस में क्या होगा माइनस में जीरो पॉइंट फोर फाइव बाय रूट अंडर जीरो पॉइंट टू ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सॉल्व करिए अब इसको तो यहां से मेरा जो आएगा ए का वैल्यू ए का वैल्यू मेरा आ रहा है वन थ्री नाइन थ्री फाइव थ्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले यहां तक बताइए आप लोग सबका आया कि नहीं आया ए का वैल्यू सबका आया अगर ए का वैल्यू सबका आया तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है आज मेरे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वन थ्री नाइन थ्री फाइव थ्री ठीक है और मेरे को एटी परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा टू हैव एट लीस्ट रीपे द लोन एट टाइम फाइव ठीक है ना अगर आज मैं डालता हूं अगर आज मैं डालता हूं वन थ्री नाइन थ्री फाइव थ्री तो पांच साल के बाद में दिस इज जीरो दिस इज फाइव एटी चांस है कि मेरे पास मिनिमम यहां पर डेढ़ लाख रुपया होगा ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज पॉइंट्स में जाएंगे 20 परसेंट का वैल्यू देखेंगे वो जो भी आ रहा है उसमें माइनस लगा देंगे वो जो भी आ रहा है उसमें माइनस लगा देंगे क्यों बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यहां पर इसको एक्सीड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे को चाहिए एटी मतलब दिस शुड बी नेगेटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू आएगा ये नेगेटिव वैल्यू आएगा ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में उसके बाद में अपने को क्या बोला है उसके बाद में अपने को क्या बोला है उसके बाद में अपने को बोला है द इन्वेस्टर हैज वन लैक अवेलेबल दे इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो टूडे कैलकुलेट द फॉलोइंग रिस्क मेजर्स अप्लाई टू द डिफरेंस एट टाइम फाइव द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो एंड रिक्वायर्ड टू रीपे द लोन क्या बोल रहा है 95 फाइव परसेंट वैल्यू एट रिस्क अपने को निकालना है. 95 या फिर और उसके पास में कितना रुपया है उसके पास में कितना रुपया है एक लाख रुपया है तो आइए इसका हम लोग करते हैं सबसे पहले वैल्यू एट रिस्क वैल्यू एट रिस्क अपने को बोला है नाइन्टी फाइव परसेंट निकालने तो 95 मतलब क्या होता है 5 परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा लॉसेस एक्सीड करने का एंड नाइनटी फाइव परसेंट प्रोबिलिटी होगा हम लोग को ये चीज ऑलरेडी पता है कि फंड वैल्यू में वॉर नेगेटिव आएगा राइट एंड उसका मतलब जो है वो उल्टा हो जाता है मतलब क्या होता है नाइनटी चांस है कि फंड वैल्यू इसको एक्सीड करेगा एंड फाइव चांस है कि फंड वैल्यू इससे कम रहेगा ठीक है तो हाँ, basically 90, मैं, मैं करा रहा हूँ फिर मैं समझा दूंगा ठीक है मैं करा के आपको समझा देता हूं इसको ठीक है आइए सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे हम लोग करेंगे probability, हम लो, हम लोग लोग के पास में आज कितना रुपया है हम लोग के पास में आज कितना रुपया है? हम लोग के पास में आज है एक लाख रुपया ठीक है तो सबसे पहले मैं फैक्टर का बना लेता हूं मैं बनाता हूं यहां पर एस फाइव एस जीरो लेस देन मे बी फॉर एग्जाम्पल टी ठीक है इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव राइट सो यहां पर भी हम लोग डालेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव राइट अब इसको सॉल्व करना है एस जीरो तो मेरा वन हो गया अगेन दोनों तरफ लॉग लीजिए सो प्रोबेबिलिटी जेड विल बी लेस देन एल एन टी माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव बाई रूट अंडर जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो फाइव परसेंट का नेगेटिव वैल्यू कितना होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स डबल फोर नाइन इज इक्वल टू एल एन टी माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाय रूट अंडर जीरो पॉइंट टू ठीक है तो यहां से आप लोग टी सॉल्व करिए यहां से आप लोग टी सॉल्व करिए यहां से आप लोग टी सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है और वो जो टी आ रहा है उसको फिर आप लोग मल्टीप्लाई लो कीजिए एक लाख से बिकॉज एक लाख रुपया आज लगा रहे हैं ना और बताइए कितना आ रहा है टी का वैल्यू नेगेटिव मतलब वॉर पॉजिटिव मतलब लॉस टी का वैल्यू पॉजिटिव मतलब वॉर नेगेटिव मतलब फंड वैल्यू ठीक है पहले तो टी का वैल्यू बताइए फटाफट से पहले तो टी का वैल्यू बताइए फटाफट से सब लोग करेंगे कोई भी छोड़ेगा नहीं इसका पहला वाला पार्ट वॉज वेरी सिंपल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है मैं यहां पर एस टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दे रहा हूं बेसिकली एस टी या फिर एस फाइव फॉलोज लॉग नॉर्मल जीरो पॉइंट फोर फाइव कॉमा जीरो पॉइंट टू है ना जीरो पॉइंट फोर फाइव कॉमा जीरो पॉइंट टू लॉग so नॉर्मल के दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर वो उसके मीन और वेरिएंस नहीं होते हैं ठीक है सिंस इज हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बाय ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है उसमें नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द क्वेश्चन में वो लोग एस जीरो का वैल्यू बन ही देगा ठीक है तो यहां पर टी का वैल्यू कितना आ रहा फटाफट से बताइए टी का वैल्यू आ गया अब उसको एक लाख से मल्टीप्लाई करिए एक लाख से मल्टीप्लाई करिए लाख से मल्टीप्लाई करिए एक लाख से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा तो हम लोग का आएगा कितना आ रहा है बताइए सेवन फाइव वन फाइव फोर सो बेसिकली सेवन फाइव वन फाइव फोर पॉइंट सेवन इतना मोटा मोटी आना चाहिए सिंस टी का वैल्यू आ रहा है टी का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव तो मेरा जो वॉर आएगा अब ध्यान से सुन लेना वॉर वॉर जो मेरा आएगा ठीक है नेगेटिव है नेगेटिव मतलब दिस फंड फंड वैल्यू फंट वैल्यू का ज्यादा रहेगा एंड देर इज फाइव परसेंट चांस कि मेरा जो फंड वैल्यू रहेगा वो सेवन फाइव वन फाइव फोर पॉइंट सेवन से कम रहेगा ठीक है प्रोबेबिलिटी किस चीज का है किस चीज का है? कि फंड वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा एंड फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी कि फंड वैल्यू इससे कम रहेगा ठीक है? है सबको नाइनटी फाइव परसेंट फंड वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा एंड फाइव परसेंट चांस अब हम लोग को बोला विद रेस्पेक्ट टू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विध रेस्पेक्ट टू बोला है ना क्वेश्चन में विधरेख्टी थाउजेंड अब हम लोग क्या करेंगे 1, 50, से माइनस करेंगे सेवन फाइव वन फाइव फोर को हम लोग माइनस करेंगे और बताइए कितना आ रहा है इसको माइनस करने के बाद में आएगा सेवन फोर एट फोर फाइव सेवन फोर एट फोर फाइव बेसिकली ये एक टाइप का लॉस इंडिकेट कर रहा है कि मेरे को डेढ़ लाख चुकाना था बट फंड वैल्यू कम करीब करीब इतना है तो सेवन फोर एट फोर फाइव जो है ये एक टाइप का शॉर्टफॉल या फिर लॉस इंडिकेट करता है सो so बेसिकली इसके टाइम्स में मतलब क्या होगा इसके टाइम्स में मतलब क्या होगा ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला 95% चांस है कि मेरा फंड वैल्यू मिनिमम इतना रहेगा 5% चांस है कि मेरा फंड वैल्यू इससे कम रहेगा अब इसको उल्टा कर दो तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो गैप है डेढ़ लाख और मेरा फंड वैल्यू के बीच का जो गैप है 95% चांस है मैं दूसरे में लिख देता हूं 74845 याद रखता हूं मैं 95% चांस है कि मेरा जो गैप है 74 सेवन फोर एट फोर फाइव मेरा जो गैप है वो इससे कम रहेगा एंड फाइव परसेंट चा गैप है सेवन फोर एट फोर फाइव से ज्यादा रहेगा ऐसा क्यों क्योंकि मेरा जो फंड वैल्यू है मेरा जो फंड वैल्यू है फाइव परसेंट चांस है कि मेरा फंड वैल्यू उससे कम रहेगा जब फाइव परसेंट चांस है कि मेरा फंड वैल्यू उससे कम रहेगा तभी तो मेरा गैप इससे ज्यादा रहेगा समझा जब वहां पर फाइव परसेंट चांस है कि मेरा फंड वैल्यू उससे कम रहेगा तो यहां पर क्या है कि ये जो मेरा गैप है ये जो मेरा गैप है ये फाइव परसेंट से मैंने फाइव परसेंट है कि मेरा ये जो गैप है ये इससे ज्यादा रहेगा ठीक है बहुत सिंपल सा चीज है बहुत सिंपल सा चीज है तो बेसिकली इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता वो और समझने के लिए मैं दोबारा से एक बार समझाने का ट्राई करता हूं ठीक है सो हम लोग का जो फंड वैल्यू आ रहा है सेवन फाइव वन फाइव फोर सेवन फाइव सेवन फाइव वन फाइव फोर ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं डेढ़ लाख से इसको माइनस कर रहे हैं राइट तो आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं नाइनटी फाइव परसेंट चांस है कि फंड वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा ठीक तो है तो अगर चांस है फंड वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा तभी तो फाइव परसेंट चांस बनेगा देखो नाइन्टी फाइव परसेंट चांस फंड वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा तो नाइनटी फाइव परसेंट चांस बनता है कि मेरा जो शॉर्टफॉल है मेरा जो डिफरेंस है वो इससे कम रहेगा क्योंकि फंड वैल्यू मान लो इससे ज्यादा है तो शॉर्टफॉल इससे कम होगा सेम चांस फाइव परसेंट चांस है कि मेरा जो फंड वैल्यू है वो इससे कम रहेगा जब फंड वैल्यू इससे कम रहेगा तो ही तो मेरा जो शॉर्टफॉल है वो इससे ज्यादा रहेगा समझ गया तो वॉर में क्या होता है वॉर में वॉर में जब हम लोग लॉस का बात करते हैं तो फाइव परसेंट चांस होता है फाइव परसेंट चांस होता है कि लॉसेस विल एक्सीड दिस लेवल या फिर मिनिमम लॉस इतना होगा ठीक है और 95 परसेंट चांस है कि जो लॉसेस है वो इसके अंदर अंदर ही रहेगा बट जब हम लोग फंड वैल्यू का बात करते हैं जैसे ये वाला जो फंड वैल्यू का जब हम लोग बात करेंगे तो फाइव परसेंट चांस बनता है कि मेरा जो फंड वैल्यू है मेरा जो फंड वैल्यू है वो इससे कम रहेगा एंड नाइन्टी चांस बनता है कि मेरा जो फंड वैल्यू है वो इससे ज्यादा रहेगा लॉस के केस में हम लोग बात करेंगे लॉस के केस में लॉस के केस में हम लोग क्या बोलते हैं लॉस के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉसेस विल एक्सिड दिस लेवल लॉसेस विल एक्सिड दिस लेवल इसका 5 परसेंट प्रोबेबिलिटी है लॉसेस विल एक्सिड दिस लेवल इसका 5 परसेंट प्रोबेबिलिटी है कम से कम कम से कम मेरा जो फंड वैल्यू है वो इतना रहेगा समझ गया ये सबको क्लियर हो रहा है हा यस yes, अनिमेश या तो लॉस या फिर फंड वैल्यू या तो लॉस या फिर फंड वैल्यू ये सबको क्लियर हो गया ये सबको क्लियर हो गया मैं दोबारा से बार रिपीट करना चाहता हूं मैं दोबारा से बार रिपीट करना चाहता हूं लॉस मतलब वॉर विल विल बी पॉजिटिव चांस है है कि लॉसेस दिस लेवल ठीक बोलिए सबको ठीक है ये वाला इसके बाद में हम लोग को एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल या फिर सरप्लस निकालने बोला है तो एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर दिया है तो सबसे पहले मैं मीन निकालने का ट्राई करूंगा विच इज ई टू दी पावर जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर ठीक है प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर सो ये जो आएगा ये जो आएगा इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एक लाख से ठीक है और फिर माइनस करना है डेढ़ लाख तो देखो शॉर्टफॉल आ रहा है कि सरप्लस आ रहा है तुम लोग का आएगा इससे सरप्लस आएगा टू थ्री थ्री टू फाइव चेक कर लीजिए चेक कर लीजिए यहां तक सबको ठीक है येस और नो यहां तक सबको ठीक है येस और नो इसका जो पहला वाला पार्ट था वो भी बहुत इजी था हम लोग को सबसे पहले बोला था एट्टी परसेंट चांस है एट्टी परसेंट चांस होगा कि हम लोग लोन रीपे कर देंगे तो बहुत सिंपल मैंने चालू किया देखो मैं एक बार दोबारा से यहां पर दिखा देता हूं ये सम को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए देखो ये सम का अगर हम लोग पूरा रिकेप करेंगे ये सम में क्या है आपका थोड़ा बहुत ब्राउनियन मोशन है थोड़ा बहुत आपका स्टोकास्टिक इंटरेस्ट रेट का एलिमेंट है जो अभी सिलेबस पे नहीं है ठीक है उसका उतना है भी नहीं बट

तो बेसिकली सबसे पहले इस समय हमको क्या बोला सबसे पहले इस समय हमको बोला कि भैया देखो पांच साल बाद हमको एक लोन चुकाना है पांच साल के बाद में हमको एक लोन चुकाना है तो हमारे को आज कितना रखना पड़ेगा पैसा ताकि 80 परसेंट का प्रोबेबिलिटी हो कि हम वो लोन चुका दे तो हमने क्या इक्वेशन बनाया हमने क्या इक्वेशन बनाया हमने इक्वेशन बनाया कि आज मैं इतना रुपया रखूंगा बाबू आज मैं इतना रुपया एक सेकेंड आज मैं इतना रुपया रखूंगा बाबू और मेरा जो ग्रोथ फैक्टर है वो बन जाएगा एस फाइव बाई एस जीरो मेरा जो ग्रोथ फैक्टर है वो बन जाएगा एस फाइव बाई एसरोउजेंड इसका प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट एट ठीक है उसके बाद में मैंने क्या किया एस जीरो का वैल्यू डाल दिया ए को उधर ले गया क्योंकि एस फाइव का मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता था एस फाइव वॉज फॉलोइंग क्वेश्चन ने बोल दिया है लॉग नॉर्मल फॉलो करता है जीरो पॉइंट फोर फाइव कैसे जाएंगे सबसे पहले दोनों तरफ मैंने लिया लॉग सबसे पहले दोनों तरफ मैंने लिया और फिर उसके बाद मैंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया उसके बाद मैंने उसको कर दिया माइनस किया मीन को एंड डिवाइड किया वेरिएंस का रूट से ठीक है मेरे को बेसिकली मैंने पर ग्राफ भी बनाया कि इस पॉइंट को एक्सीड करने का प्रोबेबिलिटी 80 परसेंट होगा तो आप लोग 20% टेबल बुक का पेज नंबर 162 है इफ आई एम नॉट रॉ वहां पर जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 20% का वैल्यू देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 20% का वैल्यू देखिए और उसको नेगेटिव कर दीजिए क्यों बिकॉज़ इस पॉइंट को एक्ससीड करेगा इसका 20% प्रोबेबिलिटी है ठीक है और इस पॉइंट को एक्ससीड करेगा इसका 80% प्रोबेबिलिटी और इस पॉइंट के कम में रहेगा इसका 20% प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो वहां से बेसिकली मैंने इक्वेट करूंगा मैं इसको इक्वेट करूंगा मैं इसको इक्वेट करूंगा जो टेबल बुक में मैंने वैल्यू देखा है इफ आई एम नॉट रॉंग मेरे पास है इसका सॉल्यूशन तो आपका वो वाला जो वैल्यू है वो आ रहा है -0.8416 -0.8416 राइट right? बाय इफ आई एम नॉट रॉंग -0.8416 आपका आ रहा है वो वाला वैल्यू ठीक है तो वहां से बेसिकली मैंने ए का वैल्यू निकाल लिया कि भाई आज अगर हम इतना इन्वेस्ट करते हैं तो पांच साल के बाद में मेरे हाथ में डेढ़ लाख रुपया होगा इसका एट्टी परसेंट का संभावना है क्यों ऐसा क्यों कोई सर्टेंटी नहीं है बिकॉज जो ग्रोथ है जो एस है वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है ठीक है आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं एस मैंने वॉर के पे पे आया मैं concept पे आया मैं वॉर के वॉर मतलब क्या वैल्यू एट रिस्क टेल्स में कितना लॉस है ये हम लोग को देखना है टेल्स में कितना लॉस है देखो बेसिकली हम लोग सब लोग क्या है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है तो जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होता है उसको ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई मेरा नुकसान कितना हो सकता है प्रॉफिट तो चलो ठीक है बट रिस्क एवर्स का सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो है लॉस तो इसलिए वैल्यू रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है एंड सिंस हम लोग रिस्क का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अच्छे से समझ लेना चाहिए ठीक है यही मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर एक लाख मल्टीप्लाई कर देता ना एक लाख अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता बाबू तो मेरा पूरा डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ पर मेरा पूरा डायरेक्ट आंसर आता है समझ लीजिए एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अपने को एग्जाम में

तो मैंने यहां से चालू किया अगेन मैंने क्या किया एस जीरो को वेल डाल दिया मैं यहां पर लाख रुपए लेके नहीं किया तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया और फिर मैंने इसको अगेन स्टैंडर्डाइज कर दिया फाइव परसेंट का जो वैल्यू होता है, तो 5 का जो होता है उसको मैंने नेगेटिव कर दिया क्यों बिकॉज कम का बोला है मैंने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से बना देता हूं यहां पर तुम लोग के लिए यहां पर बेसिकली इस पॉइंट से कम होगा इस पॉइंट से कम होगा यहां पर क्या आएगा माइनस वन पॉइंट सिक्स डबल फोर नाइन और यहां पर क्या आएगा वन पॉइंट सिक्स डबल फोर नाइन ठीक है ये वाला सबको क्लियर हो गया फिर मैंने इसको इक्वेट करके यहां से क्या निकाल दिया बाबू यहां से मैंने निकाल दिया टी का वैल्यू और फिर उसको मैंने एक लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ गया टी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है टी का वैल्यू जो भी भी चीज समझ लेना कि वो फंड वैल्यू है ठीक है टी का वैल्यू पॉजिटिव वो फंड वैल्यू ऑब्लिक प्रॉफिट डिनोट कर रहा है फंड वैल्यू ऑब्लिक प्रॉफिट में हम लोग बोलते हैं मिनिमम 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 का मतलब क्या होता है मिनिमम का मतलब क्या होता है कि मेरा यहां पर जो आया था एंसर मेरा यहां पर जो आंसर आया था वो आया था सेवन फाइव वन फाइव फोर पॉइंट सेवन मतलब मैंने इसके बाद क्या बोला कि मेरा जो फंड वैल्यू है वो मिनिमम इतना रहेगा इसका नाइनटी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि इससे ऊपर रहेगा एंड फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि इसके नीचे रहेगा फिर मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा वो लोग क्वेश्चन में मेरे से वो लोग पूछा

अनफॉर्चुनेटली मेरे टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है देखो तो बेसिकली ये जो गैप है ठीक है बेसिकली ये जो गैप है आपका तो ये जो गैप है 95 परसेंट चांस है 95 अच्छा तो मैंने फंड वैल्यू के लिए बनाया ठीक है ये मैंने फंड वैल्यू के लिए बनाया है फिर मैंने यहां पर बनाया था कि 95 परसेंट चांस है कि ये जो जी गैप है ये इससे कम रहेगा एंड 5% चांस है कि ये जो है ये इससे ज्यादा रहेगा ठीक है फाइव चांस है कि ये जो है ये इससे

.5 से माइनस कर दिया टू थ्री थ्री टू फाइव आ रहा है इसका, तो very, very, very समझ में आया और yes नो no. अगर अभी भी कोई डाउट है क्वेश्चन होगा ठीक है तुम्हारा डाउट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा इंस्टीट्यूट बेस इंस्टीट्यूट आपका पूरा बेस चेक करेगा ठीक है एग्जाम में ठीक है चाहे चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बार हम लोग लक्ष्य से नहीं भटकेंगे हम लोग ने तय कर लिया है कि हम लोग को सारे के सारे पेपर्स इंस्टीट्यूट का मैट हम लोग को एक्स असाइनमेंट हम लोग को आई एफ ओ के क्वेश्चन आई ए के क्वेश्चन को सारा चीज एग्जाम में करके जाना आपके बार ठीक है तो देखेंगे कहां से क्वेश्चन देता है आपके बार इंस्टीट्यूट तो इसके बाद में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा सा कमेंट्स करो तो अः आप जैसे मान लो आपने को बोला था कि अपने को 139 समथिंग समथिंग चाहिए था राइट बट बोल रहा है कि अपने पास तो सिर्फ एक लाख ही है तो अगर एक लाख से चालू करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि ये डेढ़ लाख बन जाएगा ये डेढ़ से कम का प्रोबेबिलिटी होगा इसका अस्सी परसेंट से कम का प्रोबेबिलिटी होगा और yes no. एक लाख रुपए से ही चालू कर रहे हैं तो एक लाख से अगर डेढ़ लाख पे जाएंगे तो ऑब से अस्सी परसेंट से कम का प्रोबेबिलिटी होगा ठीक है हम लोग के पास में एक एक्सपेक्टेड सरप्लस है कितने का एक्सपेक्टेड सरप्लस है टू थ्री थ्री टू फाइव एक्सपेक्टेड सरप्लस कितने का अपने पास में टू थ्री थ्री टू फाइव ठीक है

लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं ठीक है वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं ओके जी? जी? जी है yes, okay, तो चलिए हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आइए एक क्वेश्चन और है जो बहुत अच्छा है जो आज मैं कराऊंगा फिर बाकी मैं पेपर आने के बाद कराऊंगा आई एम गोइंग ऑन

मिनट थोड़ा सा चैलेंज है मेरे लिए नया है ओके सो दिस इज द क्वेश्चन डिफाइंड इन योर ओन वर्ड्स द मार्केट प्राइस पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे ठीक है आइए

तो वहां पर आपका जो रिस्क है वो बहुत कम है लेकिन यही अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि अच्छे कैटेगरी का है या फिर आप अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन सब का जो रिस्क यूनिट्स है वो डिफर करता है राइट तो जितना ज्यादा रिस्क यूनिट्स आप लोगे आपको उतना एक एक्सेस रिटर्न मिलता है राइट सो बेसिकली दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मुला है इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न बेसिकली रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इज दिटर्न ऑन मार्केट होल डिवाइडेड बाय सिमाशन ऑफ दिस्क ओके सो बेसिकली कुछ भी नहीं है इसमें इसमें कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला में आपको दिखाता हूं एक फॉर्मूला में आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना सो बेसिकली इट इज रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न बाय सिग्मा एम तो बेसिकली ये क्या है ये क्या बोलता है ये क्या बोलता है बोलता है एक्सेस रिटर्न एक्सेस रिटर्न एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ठीक है ना ओके

अपने को दे दिया है रिसेशन में एसेट क्लासेस में अपने को दिया है प्रॉपर्टी स्टॉक बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी भी अपने को दे दिया है रिसेशन का नॉर्मल का और बबल का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इन टोटल वन बिलियन डॉलर ठीक है विद ट्वेंटी बिलियन डॉलर इन प्रॉपर्टी फिफ्टी बिलियन डॉलर इन स्टॉक एंड फिफ्टी बिलियन डॉलर इन बॉन्ड्स ओके अपने को मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क निकालना है ठीक है फर्स्ट पार्ट में अपने को मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क निकालना है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क अपने को इसमें निकालना है तो अपने बहुत सिंपल तरीके से इसको करेंगे सबसे पहले सबसे पहले अपने रिसेशन के लिए करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपने इसमें रिसेशन के लिए करते हैं तो बेसिकली रिसेशन में क्या होगा रिसेशन में क्या होगा अपना क्या है अपना रिसेशन में क्या है ट्वेंटी फाइव इन ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस वन परसेंट ठीक है फिर अपना आएगा फिफ्टी इंटू फिफ्टी इंटू माइनस टू परसेंट फिर अपना आएगा फिफ्टी इन सिक्स परसेंट होल डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव तो यहां से अपने को निकालना पड़ेगा यहां से अपने को निकालना पड़ेगा तो यहां से अपने निकालेंगे पहला वाला अपना जो आ रहा है वो आ रहा है वन पॉइंट फोर परसेंट ठीक है इसी तरीके से अपने क्या करेंगे इसी तरीके से अपने नॉर्मल का निकालेंगे और इसी तरीके से अपने बबल का निकालेंगे ठीक है तो ये दोनों का आप लोग निकालिए मैं एक बार आंसर लिख देता हूं यहां अपना आएगा चार परसेंट और यहां अपना आएगा एट पॉइंट फोर परसेंट उसके बाद में अपने को बोल रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क के लिए अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट निकालना पड़ेगा तो ये होगा इसका कितना प्रॉब्लिटी है ये होगा इसका कितना प्रॉब्लिटी ये होगा अब देखो आप अपने को एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया मैं आपको एक सिंपल अगर टर्म्स में बताऊं तो मैं आपके लिए यहां पर बना देना चाहता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर एक टेबल बना देना चाहता हूँ अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड देन विल यूज द बेसिक स्टैट्स कॉन्सेप्ट सो बेसिकली रिसेशन है नॉर्मल है और बबल है ठीक है रिसेशन है नॉर्मल है और बबल है ठीक है तो बेसिकली यहां पर आगे आपका रिसेशन में कितना है 1.4 परसेंट पर है आपका 4 परसेंट और यहां पर है आपका 8.4 परसेंट और इन तीनों में अपना जो प्रोबेबिलिटी है अपना जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना कितना है प्रोबेबिलिटी जो है वो है अपना जीरो पॉइंट वन फिर है अपना, और फिर है अपना ठीक है ये अपने को दे दिया है ओके सो so, अब क्या करना है अपने को सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट तो दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस फिर अपने को निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन

तो पहले अपने आएगा 1.4 परसेंट इंटू जीरो फिर अपना आएगा प्लस में 4 परसेंट इंटू जीरो फिर अपना आएगा 8.4 परसेंट इंटू जीरो ये अपना आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट फिर अपने निकाल रहे हैं अगर अपने को निकालना है मान ले, आ, सिग्मा स्क्वायर एम निकालना है तो अपने कैसे करेंगे 1.4, बेसिकली इसको अगर हम लोग डेसिमल्स में कर दें तो और सिंपल हो जाएगा 0.014 का स्क्वायर इंटू जीरो फिर प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर का स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट सिक्स फिर प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट फोर का स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट थ्री ठीक है माइनस ई एम स्क्वायर ओके सो बेसिकली फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू गेट ई एम यू आर गोइंग टू गेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो सिक्स एंड सिग्मा एम बेसिकली सिग्मा एम विल बी जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री टू ठीक है सो वी नीड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क बेसिकली आप जो एक यूनिट रिस्क लेंगे उसके लिए आपको कितना एक्सेस रिटर्न मिलेगा ठीक है बेस्ड ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो ठीक है मार्केट पोर्टफोलियो के बेसिस में कर रहे हैं सो जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो सिक्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री टू सो ये अपना आएगा ये अपना आएगा वन पॉइंट थ्री वन नाइन पर यूनिट ऑफ रिस्क मतलब सिग्मा अगर एक से बढ़ेगा तो रिटर्न इतना से बढ़ना चाहिए ठीक है सिग्मा अगर एक से बढ़ेगा तो मेरा रिटर्न इतना से बढ़ना चाहिए यहां तक सबको क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है क्वेश्चन यस और नो यहां तक सबको क्लियर है हाँ अनिमेश जी मॉक में मैंने दिया था एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोग को तो छोड़ना ही नहीं है ठीक है अब इसके बाद देखिए अगेन दिस द नाइन मार्क क्वेश्चन क्या बोल रहा है

and usse kam sigma possible with the given level of return that is an efficient portfolio right so basically now we are calculating the market price of this market price of risk for uh, this uh, portfolio which is pa so it will be uh, 0 0.06 minus 0 0.02 whole divided by 0 0.0315 okay so now we need to calculate this now we need to calculate this so it is coming to be इट इज कमिंग टू बी कितना आ रहा है अच्छा अगर हम लोग देखेंगे वन पॉइंट टू सिक्स नाइन पर यूनिट ऑफ रिस्क ठीक है और अपना जो कैपिटल मार्केट लाइन है CML का फॉर्मूला क्या बोलता है CML का फॉर्मूला बोलता है ई पी माइनस आर बाय सिग्मा पी इज इक्वल टूम माइनस आर सिग्मा सिमा तुम समझा ये फिर यहां पर अपने बेसिकली इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आर को प्लस कर सकते हैं तब जाके अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आएगा ठीक है सो so बेसिकली अभी अपना लेकिन यहां पर जो आ रहा है अभी अपना लेकिन यहां पर जो आ रहा है ये वाला जो पार्ट है दिस इज लेस दिस इज लेस देन दी मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क दैट वी कैलकुलेटेड जस्ट नाउ दैट वी कैलकुलेटेड जस्ट नाउ दिस इज लेस देन दी मार्केट प्राइस ऑफ रिस्कुलेटेड जस्ट नाउ विच वॉज वन पॉइंट थ्री वन नाइन राइट सो बेसिकली पोर्टफोलियो ए से भी बेटर पोर्टफोलियो है विच इज दी मार्केट पोर्टफोलियो राइट सो बेसिकली पोर्टफोलियो ए इज नॉट एन एफिशियंट पोर्टफोलियो ठीक है पोर्टफोलियो से तो बेटर पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो है तो फिर पोर्टफोलियो में पैसा क्यों लगाएंगे जहां पर मेरे को इज्जत ज्यादा मिलेगा जहां पर मेरे को इज्जत बेसिकली ये जो है ना मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क ये क्या है इज्जत मैं पैसा लगाया उसका इज्जत इज्जत है ये तो जहां पर ज्यादा मिलेगा वहां लगाएंगे ना जहां इज्जत कम मिल रहा है वहां क्यों लगाएंगे अपन ठीक है तो बेसिकली जहां इज्जत ज्यादा मिलेगा वहीं अपने लगाएंगे ठीक है सो आई होप सो होपो क्वेश्चन समझ में आया होगा पोर्टफोलियो थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल ठीक है तो बेसिकली बेसिकली सीएमएल इज ओनली फॉर एफिशियंट पोर्टफोलियोज सो बेसिकली सीएमएल हमेशा एफिशियंट पोर्टफोलियोज के लिए ही यूज होता द कैपिटल मार्केट लाइन ठीक है सो आई होप सो सबको समझ में आया हो ये वाला येस और नो सबको समझ में आया ठीक है ओके सो बेसिकली इसमें अगर आप पेपर देखोगे इसमें अगर आप पेपर देखोगे तो आज आपने क्या क्या कवर किया अपने इस पर एक और क्लास करेंगे जो आपका मोस्टली एटीन को होगा ठीक है जो आपका आपका मोस्टली मोस्टली फेब फेब को को होगा को होगा बिकॉज आई एम रिटर्निंग बैक ऑन तो वो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू आपके सिलेबस में नहीं है वन मैंने करा दिया थ्री मैंने आपको करवा दिया एंड मैंने आपको सिक्स करवा दिया ठीक है बाकी आप ये वाला पेपर ट्राई करो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टूडे एंड बाकी और लोग को भी बोलो वो लोग भी क्लास अटेंड करेंगे एंड अभी आपकी पेपर बी की क्लास है तो पेपर बी का क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा ठीक है ग्रुप में अपडेट आ जाएगा थैंक यू